इस रम विधानसभा का पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि विदेश में भी नाम रोशन किया जीतू पटवारी जी ने। जीतू पटवारी जी इतने बढ़िया विधायक है हमारे रम विधानसभा के लिए, जो विकास कार्य उनके निरंतर प्रयासों से चल रहा है, इतना विकास कार्य अभी तक देखने को नहीं मिला रम विधानसभा में। जीतू पटवारी ही बार बार, एक बार नहीं बार बार जीतू पटवारी को ही चुनेंगे। उस जैसा नेता यहाँ राव विधानसभा में आज तक नहीं मिला है, न मध्य प्रदेश में है। जीतू पटवारी जीतेंगे और जीतेंगे बहुमत के साथ। इस बार कमलनाथ जी की सरकार 150 के पार हो रही है और जीतू पटवारी 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। गवर्नमेंट किसानों के बहुत चहेते हैं और आम पब्लिक के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। और मधु वर्मा ने खुद जीतू पटवारी जी को बोल दिया कि आपको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। दो मेट्रो इंदौर भोपाल में उन्होंने 15 महीने 11 महीने में लाके दे दी। उस हिसाब से पता चल सकता है कि किस स्तर का विकास कांग्रेस पार्टी आने के बाद यहाँ पर होगा। आज जीतू पटवारी की नामांकन रैली है, आप सभी कार्यकर्ता में जोश भरपूर हम देख सकते हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? जीतू पटवारी जी ऐसे जन सेवक है, इंदौर के लिए बड़ी गर्व की बात है, रम विधानसभा के लिए बड़ी गर्व की बात है। इस रम विधानसभा का पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि विदेश में भी नाम रोशन किया जीतू पटवारी जी ने। हमें बड़ा गर्व होना चाहिए, जीतू पटवारी ही बार बार, एक बार नहीं बार बार जीतू पटवारी को ही चुनेंगे। बार बार आप जीतू पटवारी को चुनेंगे, ऐसी क्या खास बात है आप जीतू पटवारी में कि बार बार आप उन्हीं का ही चुनाव करेंगे? वो युवाओं के बहुत चहेते हैं, गवर्नमेंट किसानों के बहुत चहेते हैं और आम पब्लिक के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। जब भी उनके घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, वहाँ कोई सिक्योरिटी ना चौकीदार रहता है। जैसा अभी सर ने युवाओं के बोला कि जीतू पटवारी जो है युवाओं के नेता है, हमारे साथ यहाँ पे युवा भी मौजूद है, जी क्या कहना है आपका? जीतू पटवारी जी इतने बढ़िया विधायक है हमारे रम विधानसभा के लिए, जो विकास कार्य उनके निरंतर प्रयासों से चल रहा है, इतना विकास कार्य अभी तक देखने को नहीं मिला रम विधानसभा में। जीतू पटवारी पिछले दो विधानसभा चुनाव से जीतते आ रहे हैं, इस बार भी वही बाजी मारेंगे? इस बार निश्चित 1,00,000% जीतेंगे, 1,00,000% जीतू पटवारी जीतेंगे इस राम विधानसभा से, और बहुत कम से कम 50,000 50,000 और आप कितना बोल रहे हैं? 25,000 से 50,000 वोट के बीच में जीतेंगे जीतू पटवारी। अच्छा, तो देख सकते हैं लेकर आएंगे, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितना माहौल है। हमारे साथ एक और युवा यहाँ मौजूद है, क्या लगता है इस बार आपको? इस बार कमलनाथ जी की सरकार 150 के पार हो रही है और जीतू पटवारी 50,000 वोटों से जीत रहे हैं इस विधानसभा। अच्छा, जीतू पटवारी एक युवा नेता है, इस तौर पर इस नाते आप क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या विकास है जो उन्होंने एक युवाओं के लिए किया है? विकास के मामले में जीतू पटवारी की कोई टक्कर नहीं है, सारे विकास करे विधानसभा में, रोड बनवाई, सड़कें बनवाई, लाइटिंग लगवाई, सारे जितने भी लोगों की परेशानी सबको दूर करा और हमेशा जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनके ऑफिस में 9 बजे से 10 बजे तक के वो जनता को समय देते हैं, उसके बाद जनसंपर्क करने निकलते हैं। अच्छा, उनके अपोजिट में बीजेपी से एक वरिष्ठ नेता है इस बार उम्मीदवार राव से, तो क्या लगता है युवा इस बार जीतेगा या वरिष्ठ जो है उन पे ज्यादा वो होगा? जीतू पटवारी 100% जीत रहा है और युवा भी है, मधु वर्मा एक बुजुर्ग है और मधु वर्मा ने खुद जीतू पटवारी जी को बोल दिया कि आपको जनता का आशीर्वाद मिलेगा कलेक्टर ऑफिस पर। तो आप देख सकते हैं जनता का रुख, यहाँ पे हर एक उम्र के जो लोग मौजूद हैं और सभी जो है जीतू पटवारी के साथ है। और आप ये जो जन सैलाब आपको दिख रहा है, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ से अभी तक जन सैलाब खत्म नहीं हुआ है, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक का जन सैलाब आप जो देख रहे हैं जीतू, ये जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके कार्यकाल में नहीं किया हो, हर काम किया हो, हर काम हुआ है। कोई समय का वो नहीं है कि समय के फेर में या कोई काम रह गया हो समय। मैडम, हमारे साथ साधु संत भी है साथ में, गरीबों का नेता है। मैडम, साधु संत सब हमारे साथ में है, साधु संत भी हमारे साथ में। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरी जनता है, जो कार्यकर्ता है, सभी लोग जीतू पटवारी के साथ है राव विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ तक कि इनका ये भी कहना है कि हमारे साथ संत महात्मा जो है वो भी इस बार है, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी की जो है वो छुट्टी होने वाली है? जो सर्वे आप रोज टीवी पे देख रहे हो, उस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिलेगी। और इस बार जो विकास कार्य कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने थी और जो विकास कार्य देखने को मिला है,
दो मेट्रो इंदौर भोपाल में उन्होंने 15 महीने 11 महीने में ला के दे दी। उस हिसाब से पता चल सकता है कि किस स्तर का विकास कांग्रेस पार्टी आने के बाद यहाँ पर होगा। और जो जीतू पटवारी जी का जो किसानों के प्रति जो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव है गेहूं का जो लाने की उन्होंने बात की, उसको 2600 तक वो ला के खड़ा कर दिया। उन्होंने 500 रुपये और वो बढ़ा के 3,000 तक वो ला देंगे, जिसके बाद जो किसानों की ज़मीन है, ये मधु वर्मा वही आदमी है जिसने स्कीम नंबर 165 राम विधानसभा में लगाई, किसानों की जमीन ग्रीन बेल्ट में कर दी, किसानों की जमीन आईडीए में कर दी, और आईडीओ की किसानों की जमीन खा खा के बैठा ये आदमी, इसको किसान कभी माफ नहीं करेगा, किसान इसको घर बिठा देगा, ये विधानसभा में इसको घर बिठा देगा। और यही कारण है जो सब लोगों का, जो युवा हो, बुजुर्ग हो, और जो सब देख रहे साधु संत हो गए, जो सब लोग जीतू पटवारी के साथ आने का एक ही मकसद है, उस जैसा नेता यहाँ राव विधानसभा में आज तक नहीं मिला है, न मध्य प्रदेश में है। जीतू पटवारी जीतेंगे और जीतेंगे बहुमत के साथ। बीजेपी की छुट्टी तो पहले भी हो चुकी थी, इस बार दूसरी बार छुट्टी होना, परमानेंट होना है। जीतू पटवारी परमानेंट एमपी से सफाया। मैडम एक टंकी के भाव बढ़ गए हैं तो ये गरीब कहां से लाएगा? निकाली है मामा जी ने तो निधि, वो कहाँ से निकाली है, कहाँ मिल रहा है? आज हम गिरदारी करते हैं, पलसीगढ़ चौराहे पे जाता हूँ मैं, आज कोई भी बोलता मेरे को भाई ये काम करना है, रेती गिट्टी चढ़ाना है मेरे को, तो आज बच्चों को बालूंगा कैसे मैं? अच्छा तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी जो भी चीज है हो जाएगी? हाँ मैडम, भ्रष्टाचार का आलम यह है, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, पहले हमारी टैक्सी का फिटनेस 2,500 रुपये में होता था, आज 16,500 का फिटनेस कर दिया, मेरा फिटनेस खत्म है, गाड़ी घर खड़ी है, बेरोजगार होकर बैठा हूँ मैं, कहाँ से करें कमाएंगे, कैसे क्या करेंगे? तो आज टंकी भी महंगी है दीदी, आज समझ लो आप। 2012 में सीधी बात ये है कि गरीब आदमी और गरीब हुआ है, और अमीर अडानी जैसे व्यक्ति को ये मोदी सरकार और जो शिवराज सरकार ने जो दिया है, अमीर आदमी और अमीर हुआ है, ये गरीब लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित है, इनकी आप जब सुनोगे तो ये कितने लाचार हो गए हैं, पैसा बच नहीं रहा है और खर्चा इतना बढ़ गया है कि इनको गैस की टंकी तक नहीं ला पा रहे हैं, तो आप सोचिए उस हिसाब से कि शिवराज सरकार और भाजपा सरकार ने कैसा काम करा है, सबको बेरोजगार कर दिया, इनकी खुद की गाड़ी का परमिट नहीं हुआ, ये बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों में भी जो बीजेपी सरकार है उसको लेकर काफी आक्रोश है, और उनका यही कहना है कि बीजेपी के चलते महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और भर जो है लोगों का सपोर्ट जो है कांग्रेस के साथ है, जीतू पटवारी के साथ है। आइए और लोगों से बात करते हैं और लोगों की राय जानते हैं। चलिए 16,000 का सत्य सटीक बेबाक।